So now we will see how we can implement safety practices. Much of the responsibility for maintaining a safe classroom environment belongs to teachers. They should determine if there is any kind of risk involved before doing any kind of activity and modification of such activity to eliminate the risk. They teachers, classroom activity ko shuru to in the classroom. कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला जिससे बच्चों को कोई चोट लग जाए मसलन आप उनको आ, सीजर्स दे रही हैं कुछ काटना है उन्होंने तो आप शार्प ब्लेड्स नहीं देंगे ऐसी कैंचियाँ देंगे जो बाहर कागज़ तो काट सकती हैं लेकिन स्किन को कम से कम नुकसान पहुँचाते हैं फिर आपने बच्चों को कैंची पकड़ने का सीजर्स पकड़ने का सही तरीका भी बताना है कि कहाँ से पकड़ना है जब वो एक दूसरे को दें कैंची या सीजर्स तो वो उसके ब्लेड्स की तरफ से मत पकड़ाएं दूसरी तरफ से पकड़ाएं ये छोटे छोटे बिहेवियर्स आपको उनको करके बताना है देन वी हैव टू मेक शोर दैट टॉय और ऑब्जेक्ट इन यूज इज स्पेसिफिकेशन फॉर द एज एंड कंडीशन ऑफ यूज किस उम्र का खिलौना किस उम्र के बच्चे को देना अगर आप आ, ऐसे चोकिंग जैसे मैंने अर्ज किया बहुत छोटे साइज के ब्लॉक्स हैं आजकल ऐसे भी ब्लॉक्स आए हैं जो बिल्कुल मिनिमल साइज के हैं उनको आप तीन साल या चार साल के बच्चे को दे रहे हैं तो वो उसको मुंह में डाल सकता है मुंह में डालेगा तो अचानक गले में फंस गया तो जाहिर है फिर वो सफोकेशन हो गई छोटे बॉल्स जो मुंह में डाले जा सकते हैं वो नहीं आप उनको दे सकते तो आप उनको लोहे की चीज़ें नहीं दे सकते आप उनको शार्प एज वाली चीज़ें नहीं दे सकते आपने हर सूरत में उनको वो मटीरियल देना है जो उनके एज रेलिवेंट हो जितना वो समझ सकते हैं चीज़ों को उतने ही तरह के खिलौने उनको दिए जा सकते हैं तो हमने ये देख एश्योर करना है कि कुछ ऐसा उनको ना मिल जाए जिसको जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकें सो सेफ्टी मस्ट ऑल्सो बी अ कंटिन्यूस कंसर्न देखिए ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर आपने ध्यान किया और उसके बाद आपने सोचा हाँ जी मैंने बता लिया बच्चों को सारी चीज़ें समझा दी हैं और अब वो एक्टिविटी कर रहे हैं आपको मुसलसल सर्वेलेंस करनी है एक मिनट के लिए आप आंख उधर करते हैं और एक मिनट में बच्चे अपना नुकसान कर लेते हैं ये तो घरों में अमूमन आपने सुना होगा मैं सुबह से इनके पास बैठी हूँ थोड़ी देर को मुफलां काम को गई और इतने में इसने ये नुकसान कर लिया तो ऐसा नहीं जब तक आप बच्चों के साथ हैं तो आपको मुसलसल उनकी निगरानी करनी है अगर आप वहां से उठना चाहते हैं कहीं दूर जाना चाहते हैं तो किसी और बड़े को रिप्लेस करके जाए टीचर्स नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डेली कॉन्टेक्ट विद चिल्ड्रेन गिव्स एन एडवेंट पोजिशन फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एरियाज देखिए हम बहसीत इस रोज़ बच्चों के साम का सा, साथ काम करते हैं हमें पता है कि कौन से बच्चे क्या कर सकते हैं या कितना नुकसान कर सकते हैं आ, कई बच्चे वैसे ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं बड़े ज़्यादा शरारती होते हैं आप उनको आ, बिठाते हैं वो बैठते नहीं उछल कूद रहे हैं जंपिंग कर रहे हैं जंपिंग में भी उनको चोट लग सकती है या वो दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं या ज़ोर से बैंक करते हैं या वो आपने इधर चार बच्चों का ध्यान किया और पांचवा दरवाजे से बाहर निकल गया और जाके किसी चीज़ से टकरा गया है या गिर पड़ा है तो ये रोज़ जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी उम्र का बच्चा क्या शरारत करता है उसको कैसे रोका जा सकता है और किस बच्चे की नेचर किस तरह से है कौन सा ज़्यादा नोटी है कौन सा पुरसकून रहने वाला है तो ये सारी चीज़ें हमें ये भी बताती हैं कि इनके डेवलपमेंटल मराहल जो हैं जो इनके स्टेजेस हैं वो कौन कौन से अभी कुछ बच्चों के ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं होती तो उनको हम हाई लेवल की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ करने को नहीं कह सकते ठीक है जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो सादा एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें सारी बॉडी का बैलेंस इन्वॉल्व नहीं होगा जो थोड़े बड़े हैं उनको जैसे एक टांग पे खड़ा रहना या एक एक टांग पे जंप करना ये चार साल के बाद मुमकिन है तीन साल का बच्चा अगर ये करने की कोशिश करेगा तो वो गिरेगा तो अगर हम डेवलपमेंटल प्रोसेस को बेहतर समझते हैं तो हम उनकी एक्टिविटीज़ को बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं सो अंडरस्टैंडिंग द शार्प सेंसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडजस्टिंग द फैक्टर्स अकॉर्डिंगली तो हमें बच्चों की समझ को देखना है बच्चे बड़े तेज़ हैं और वो बहुत जल्दी सीखते हैं वो जो बहुत जल्दी सीखते हैं इस बात को कैप्चर uh, करते हुए इस बात को वैल्यू करते हुए हम उनको इन छोटे छोटे मौक़ों पर बहुत सी बातें सिखा सकते ठीक है आग से बचने का बचने के लिए शार पैजेस को पकड़ने के लिए ख़ास तौर पे आजकल जब हर जगह जो बिजली की वायर्स हैं मोबाइल्स उनके हाथ में होते हैं वो चार्जर को टच कर रहे होते हैं अभी बच्चा दो साल का नहीं होता वो उसको पिन अप करना शुरू कर देता है वो उसके अंदर है लगाता है उसके सॉकेट को तो आपको पता है कभी ऐसा हो सकता है वो बज़ाहिर तो वो चार्ज जो है वो नुकसानदे नहीं लेकिन सम टाइम्स वो शॉर्ट कर जाती है वायर तो ऐसे बहुत से हादसा हुए हैं कि बच्चे चार्जर के साथ लग के तो ज़ख्मी हो गए या उनकी डेथ भी हो गई तो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि भाई कोई बच्चा कम से कम बिजली को हाथ ना लगाए किसी भी तरह से तो घर की जितनी सॉकेट्स हैं जितनी वायर्स हैं आपने ये देखा बच्चे मुंह में भी तार डाले थे अभी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई कि छोटा बच्चा उसको चबा रहा है क्योंकि वो हर चीज़ को मुंह में डालते हैं उसको च्यू करते हैं उनके दांत उगरे होते हैं ना तो उनको ख़ारिश होती है या उनको इरीटेशन होती है तो उसको चबाना शुरू कर दे अब ज़ाहिर है चबाएगा वायर है करंट लगेगा और उससे उसकी डेथ हो सकती सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट देन रूटीन इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन तो जैसे मैंने अर्ज़ किया मुसलसल सुपरवाइज़ करना है और जो कुछ रोज़ के रोज होता है उसके आपकी रोज़ के रोज़ नज़र होनी चाहिए आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते देखें बच्चा हमने तस्वीर देखें बच्चा इसमें दरख्त पे चढ़ रहा है अब आप कोशिश करें कि अगर वो किसी दरख्त पर चढ़ रहे हैं तो उसके नीचे जगह नर्म हो कोई हार्ड जैसे फर्श है टाइलों का या पत्थर का या कोई पत्थर करीब पड़े हुए हैं उनको हटा लें फर्श हार्ड नहीं होना चाहिए उसको ख़ास तौर पर ग्रासी जो प्लाट्स हैं वहाँ के दरख्त पे अगर आप क्लाइंबिंग चाहते हो लेकिन क्लाइंबिंग के लिए खास उम्र है यानी छः सात साल का बच्चा क्लाइंबिंग कर सकता है उससे पहले आप उनको क्लाइंबिंग की इजाज़त ना दें क्योंकि उसका बैलेंस ठीक नहीं है फिर हम देखते हैं कि झूला बच्चे सामने की तरफ झुलाते हैं समाइम्स तो वो सेफ हैं लेकिन जैसे ही वो उसको साइड की तरफ झुलाना शुरू करते हैं या बहुत ज़्यादा झुलाते हैं तो उस सिलसिले में ये होता है कि वो या तो वहाँ से गिर जाते हैं या किसी चीज़ से जैसे अगर वो दरख्त के साथ झूला है या कहीं भी तो वो टकराएंगे क्योंकि वो तो विमसिकल हैं वो अगर बैठे एक दफ़ा झूले पे तो वो गुलाई में भी घुमा सकते हैं और सामने भी घुला सकते हैं तो इसलिए आपने उनको देखना है कि वो कोई ख़तरे वाला काम नहीं कर रहे हैं